बॉलीवुड में सफल प्रेम कहानियां तो कई हैं, मगर बहुत सी प्रेम कहानियां ऐसी भी हैं जिनकी हैप्पी एंडिंग नहीं हुई। यहां हम आपको बॉलीवुड के कुछ ऐसे ही सितारों के बारे में बता रहे हैं कि आखिर उनके प्यार भरे रिश्ते में ऐसा क्या हुआ कि ये बिखर कर रह गया। इन सितारों की प्रेम कहानी की शुरुआत तो अच्छी रही, लेकिन अंत दर्द भरा रहा। पहला, माधुरी दीक्षित और संजय दत्त। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त ज्यादातर विवादों से घिरे रहे हैं। जब वे अपने करियर में बुलंदियों को छू रहे थे तो टाडा के तहत गिरफ्तार होने की वजह से भी लोग उन्हें जानने लगे थे। उससे पहले यह अफवाहें उड़ी थी कि माधुरी दीक्षित और संजय दत्त एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इन दोनों की जोड़ी ने बॉलीवुड में कई हिट फिल्में दी है। दोनों को हमेशा साथ में बाहर जाते हुए भी देखा जाता था। वैसे तो उन्होंने कभी भी अपने रिश्ते पर मोहर नहीं लगाई, लेकिन जब संजय दत्त गिरफ्तार हुए तो दोनों ने आधिकारिक रूप से ये जरूर कह दिया कि उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं था। दूसरा, गोविंदा और नीलम। फिल्म इल्जाम में बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा और अभिनेत्री नीलम ने एक दूसरे के प्रेमी की भूमिका निभाई थी। बॉलीवुड में सामने आई ये नई जोड़ी उस वक्त बहुत हिट हुई थी और हर डायरेक्टर की पहली पसंद भी ये लोग बनने लगे थे। इन दोनों को शायद ही पता था फिल्मों में एक दूसरे से प्यार करने के दौरान असल जिंदगी में भी दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठेंगे। गोविंदा नीलम के प्यार में पूरी तरह से दीवाने हो गए थे और उनके साथ हर हाल में शादी करना चाहते थे। हालांकि गोविंदा की मां को यह रिश्ता पसंद नहीं था। वो चाहती थी कि गोविंदा की शादी सुनीता से हो जाए। गोविंदा को अपनी माँ से बहुत प्यार था, इसलिए उन्होंने भी अपनी माँ की बात को नहीं टाला। इस तरह से एक शानदार लव स्टोरी का दर्दनाक अंत हो गया। तीसरा, देवानंद और जीनत अमान। भारतीय सिनेमा के इतिहास में देवानंद और जीनत अमान ऐसे कलाकार रहे हैं जिनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जा चुका है। देवानंद ने अपनी आत्मकथा रोमांसिंग विद लाइफ में इस बात का वर्णन किया है कि किस तरीके से वह जीनत अमान के प्यार में पड़ गए थे। कहा जाता है फिल्म इश्क 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 के प्रीमियर के दौरान राज कपूर ने जीनत अमान को किस कर लिया था, जिससे देवानंद बड़े आहत हुए थे। इसके बाद जीनत अमान ने राज कपूर की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम भी साइन कर ली थी, जिसके बाद देवानंद ने जीनत अमान के साथ अपना रिश्ता ही तोड़ दिया था। चौथा, नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला। नेपाली सुंदरी और बॉलीवुड अभिनेत्री मनीषा कोइराला एक वक्त बॉलीवुड में इतनी हिट फिल्में दे रही थी कि उस वक्त उनकी जबरदस्त डिमांड थी। फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर के साथ जब उनके अफेयर का खुलासा हुआ तो हर कोई हैरान रह गया था, क्योंकि फिल्म खामोशी में नाना पाटेकर ने उनके ऑन स्क्रीन पिता की भूमिका निभाई थी। नाना पाटेकर जब मनीषा कोइराला को डेट कर रहे थे तो उस वक्त वह पहले से ही शादीशुदा थी। मनीषा चाहती थी कि नाना पाटेकर अपनी पत्नी को तलाक दे दे, मगर ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में इनकी भी लव स्टोरी ने आखिरकार दम तोड़ दिया था। पांचवा, महेश भट्ट और परवीन बाबी। मशहूर फिल्म निर्देशक महेश भट्ट और अपने जमाने की बेहद खूबसूरत अभिनेत्री परवीन बाबी के बीच भी प्यार इस कदर परवान चढ़ा था कि महेश भट्ट ने अपनी पत्नी को छोड़कर परवीन के साथ रहना तक शुरू कर दिया था। हालांकि परवीन बाबी की खराब सेहत की वजह से बात बिगड़ती चली गई। महेश भट्ट ने परवीन बाबी की मदद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन इन दोनों के बीच चीजें ठीक नहीं हो सकी और आखिरकार ये रिश्ता टूट गया। परवीन बाबी 20 जनवरी 2005 को अपने फ्लैट में मृत पाई गई थी। ये स्पेशल स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट करना ना भूलें, और इस तरह की और एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।